हमारे यहाँ से अक्सर डॉग्स तो अडॉप्ट होते रहते हैं, पर आज की अडॉप्शन कुछ अलग है। आज कुकी अडॉप्ट हो रही है। कुकी एक गाय है जिसका यहाँ पे 2 महीने के करीब इलाज चला, और कुकी का अडॉप्ट करें जंग बहादुर जी। आपको याद होगा जंग बहादुर जी यहाँ पे ड्यूड जो कि एक सेंट बर्नार्ड था अबैंडन्ड, उसको खाना खिलाने आते थे, और उन्होंने बाद में ड्यूड को अडॉप्ट भी किया था। कुकी 27 जुलाई को हमारे पास आई है। इसके बारे में बताने के लिए नगरोटा से कॉल आया था। जब हमने उसे देखा तो उसके पिछले हिस्से पर बहुत ही गहरा घाव था। हमने उसे ठीक करने के लिए 2 महीने तक मरहम पट्टी की। उसका घाव पूरी तरह से ठीक भी हो गया और अब वो एकदम ठीक ठाक है। डूड के साथ साथ जंग बहादुर जी ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया है। कुकी अब अपने नए घर में एक नया जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार है। कायदे से तो हमें इस बारे में खुश होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जानते हैं क्यों? डूड को अपने नए घर में ढेर सारा लाड प्यार मिलेगा, उसे बाहर वॉक्स पर भी ले जाया जाएगा और उसे एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी मिलेगी। उसे बिस्तर पर अपने मालिक के साथ सोने को भी मिलेगा, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर वो उदास हुआ तो उसको अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। वहीं पे कुकी की जिंदगी जानते हैं क्या होगी? कुकी का दूध देने के लिए उपयोग किया जाएगा। कुकी को एक जगह दिन भर बांधा रखा जाएगा। उसे ना तो वैसा लाड प्यार मिलेगा, ना ही वैसी आरामदायक जिंदगी। असल में उसे बार बार प्रेग्नेंट किया जाएगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब भी उसका ख्याल अच्छे से रखा जाएगा या उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब हमें निश्चित ही नहीं है कि कुकी अपने नए घर में खुश रहेगी तो क्यों हमने भरे मन से उसकी विदाई करी? देखिए, इसके अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प ही क्या है? आखिरकार हम एक क्लिनिक है। जब गाय ठीक हो जाएगी तो हम उसको वापस वहीं छोड़ आएंगे जहां से हम उसको लाए थे, और सड़क पर जाके फिर वो कूड़ा खाएगी, फिर वो डंडे खाएगी, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बछड़े को वहीं मरने छोड़ देने के बाद कोई उसको दूध दोहने के लिए ले जाएगा। तो इस सब के चलते एक बात ध्यान आती है कि क्यों ऐसा है कि कई जानवरों को तो हम पालतू बनाते हैं, प्यार करते हैं, और बाकी जानवरों का हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुत्ता हो या गाय हो या बकरी, प्यार महसूस करने के, दर्द महसूस करने के तो ये सभी सक्षम हैं। देखिए, आज का दौर थोड़ा अजीब है। अगर कोई अत्याचार करके जानवरों पे कुछ बनाता है तो वो बेचना अलाउड है, पर अगर हम इसी अत्याचार को आपको दिखाते हैं तो ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो हम साफ बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये साफ बात आप तक कब तक पहुंचती रहेगी। तो हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है t.me/peoplefarm। आप वहाँ पे हमसे जुड़िए ताकि हम डायरेक्ट आपसे संवाद कर सकें। जो भी हम बनाते हैं, जो भी हमें कहना है, हम डायरेक्ट आप तक पहुँचा सकें।